हाय गाइस, आज कंप्लीट हो गए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो भी सेम चैनल पर दूसरी बार। सो 6.5 महीने पहले इसी चैनल पर पहले भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, लेकिन ये चैनल डेड था कई सालों से। ये क्लिप आप तब का देख रहे हैं जब पहली बार 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है अभी का, मतलब सेकेंड टाइम 1 मिलियन ऑन द सेम चैनल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले मैं बनाती थी म्यूजिक और वीडियोज बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं सिर्फ ऑडियो बनाती थी, वीडियो किसी और का डाल देती थी उसके ऊपर। यूट्यूब को ये पता चल गया और उसने मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया और बोला कि आप अपने वीडियोस डिलीट करिए और दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि म्यूजिक रोज बनाना पॉसिबल नहीं है, अगर रोज नहीं बनाऊंगी तो चैनल और खड्डे में चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अब कॉमेडी शॉर्ट्स बनाऊंगी, रोज एक शॉर्ट अपलोड करूंगी, शायद मेरा चैनल ठीक हो जाए। मैंने अपना कंटेंट चेंज कर दिया, म्यूजिक से कॉमेडी पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन उससे मेरा चैनल और भी ज्यादा डेड हो गया। व्यूज आते थे लेकिन सिर्फ म्यूजिक वीडियोस पर व्यूज आते थे, कॉमेडी वीडियोस पर कोई व्यूज नहीं आते थे, कभी 300 व्यूज, कभी 400 व्यूज। आप समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले थे लेकिन व्यूज 300-400, इसका मतलब होता है चैनल डेड। मैंने डिसाइड किया जैसे ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं सारा कॉपीड कंटेंट डिलीट मार दूंगी, और वही मैंने किया। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहली बार हुए और मैंने डिलीट मारा सारा म्यूजिक कंटेंट, और जैसे ही उसको डिलीट मारा मेरे सब्सक्राइबर्स रोज माइनस होने लगे। कॉमेडी अपलोड करते करते मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, व्यूज नहीं आ रहे थे। मुझे लगा अब कुछ नहीं होगा, अब ये चैनल बर्बाद हो गया। आज से ठीक 10 दिन पहले फ्रस्ट्रेट होकर मैंने यूट्यूब पर वीडियोज डालना ही छोड़ दिया। मैं वीडियोज बनाती थी मौज ऐप के लिए और टिकी ऐप के लिए, क्योंकि वहां पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन यूट्यूब पर अपलोड करने का मन ही नहीं करता था। तो 1 हफ्ते तक मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया, और 1 हफ्ते बाद मुझे लगा कि यार जब मैं वीडियो बना ही रही हूं तो अपलोड करने में क्या जाता है, सिर्फ 2 मिनट लगता है। फिर 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद मैंने फिर से यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करना शुरू कर दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने ब्रेक लेने के बाद वीडियोज अपलोड किए तो मेरा चैनल अचानक से बूस्ट हो गया। As you can see, 6th of May से पहले मेरे सब्सक्राइबर्स का ग्राफ जा रहा है 0 से नीचे, मतलब माइनस में जा रहे थे मेरे सब्सक्राइबर्स। 6th May को मेरे सब्सक्राइबर्स है -34, और 7th May को ओह माय गॉड ये प्लस में कैसे चला गया। सो 7 तारीख से मेरे सब्सक्राइबर्स माइनस की जगह प्लस में जाने लगे, और फिर ये ऐसे प्लस प्लस हुए कि आज की डेट में मेरे 4000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स आते हैं डेली। सो पिछले 6.5 महीने में मेरे सब्सक्राइबर्स जितने कम हुए थे घटते घटते, वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिकवर हो गए जैसे ही मेरा चैनल बूस्ट हुआ। फाइनली अब जाकर मेरी जान में जान आई है, वरना मुझे लगता था कि यार ये 6 साल पुराना चैनल जिस पर मैंने इतनी मेहनत की थी, उसे मैं ऐसे कैसे बर्बाद होने दे सकती हूँ। अगर मैं 1 हफ्ते के लिए अपलोडिंग बंद नहीं करती तो शायद अभी भी मेरा चैनल रिकवर नहीं होता। और 2 बात याद रखना, एक तो अपने चैनल पर कभी भी इनएक्टिव मत हो, अगर अपलोड कर रहे हो और चैनल अच्छा चल रहा है तो अपलोड करते रहो, और दूसरी बात कभी भी अपना कंटेंट चेंज मत करो, अगर एक कैटेगरी का कंटेंट बना रहे हो तो दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट मत हो, कोई दूसरा चैनल खोल लो। और फिर भी अगर मेरी जैसी सिचुएशन में फंस जाओ ना, तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर देखो, जैसे मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया, क्या पता काम कर जाए। जाते जाते एक लास्ट बात, ये चैनल पहली बार डेड नहीं हुआ है, पहले भी कई बार डेड हो चुका है, लेकिन वो डेड होता था इनएक्टिव होने की वजह से, और हर बार रिकवरी भी हो जाती थी जब मैं 3-4 महीने तक रेगुलर अपलोड करती थी तो। सो प्लीज नो कि इनएक्टिव होना आपके चैनल के लिए बहुत खराब है, लेकिन कभी कभी इनएक्टिव होना बहुत अच्छा है, जैसे इस बार हुआ। सो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़ा रिस्क मत लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।